हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है योगा। योगा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके समझ आई हूँ इस एक वीडियो में। एक वीडियो मैराथन क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आप योगा से रिलेटेड थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको एकदम शॉर्ट में योगा के सभी चीजों को समझाया गया है। जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे शुद्धि क्रिया हो, प्राणायाम हो, अष्टांग योग हो एंड योग की परिभाषाएं, सभी चीजें दिया गया है। तो यहाँ पे इतना बात न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपके पास अब टाइम नहीं है, सबको देखते हुए मैं आपको इतने लंबे लंबे वीडियोज दे रही हूँ एक एक टॉपिक पर क्लियरली। एंड दोस्तों, जैसे कि ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए सारे वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट, 14 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी 125 क्वेश्चंस का, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्कीप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इज रिकमेंडेड। तो प्राणायाम की अभ्यास की सलाह दी जाती है किसको दोस्तों? तो कब दिया जाता है? जब हम योगासन आसन जो है कर लेते हैं, उसके पहले कि उसके बाद, सत्कर्म के पूर्व कि आसन सिद्धि के पूर्व कि आसन सिद्धि के पश्चात कि प्रत्याहार सिद्धि के पश्चात, इसका आंसर आप दीजिए। तो दोस्तों, प्राणायाम जब भी करते हैं तो जब हम आसन प्रक्रिया कर लेते हैं तब उसके बाद प्राणायाम करते हैं, तो आसन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, आसन सिद्धि के पश्चात। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? प्राणायाम इज द गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, जो प्राणायाम है किसका प्रवेश द्वार है? प्राणायाम का मतलब होता है प्राण धन आयाम, यानी कि श्वासों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। और जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने पुस्तक योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कहा है, जिसमें से योग के 8 अंगों के बारे में उन्होंने बताया है। वो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो शुरू के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या है? बहिरंग है। और लास्ट जो 3 है, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग साधन है। तो जो ये प्राणायाम के द्वारा हमारा मन एकाग्र होता है, तो ये किसका प्रवेश द्वार है? यह धारणा का प्रवेश द्वार है। किसका प्रवेश द्वार है? धारणा का। और धारणा किसका प्रवेश द्वार है? ध्यान का। जैसे कि क्वेश्चन आपके यह स्टेट में आया हुआ था कि धारणा किसका प्रवेश द्वार है, तो ध्यान का। ठीक। प्राणायाम किसका प्रवेश द्वार है? धारणा का। तो धारणा क्या होता है? एक वस्तु पर अपने ध्यान को टिकाए रखना, वो आपका एकाग्रता से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, अष्टांग योग का चतुर्थ चरण क्या है? What is the fourth stage of अष्टांग योगा? तो अष्टांग योग का चतुर्थ चरण क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको याद रहता है, लेकिन परीक्षा में आप क्या करते हैं, फटाफट से गिनती गिन देते हैं, तो चौथा का पांचवा, पांचवा का तीसरा करके आ जाते हैं। जब याद है तो उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो चौथा अंग पूछा है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो कौन हो जाएगा आपका? राइट, प्राणायाम। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राणायाम की कितनी घटक हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन प्राणायाम?
तो दोस्तों प्राणायाम के 3 घटक हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना, अंदर श्वास लेके रोकना अंतः कुंभक कहलाता है, बाहर श्वास रुके रखना कुछ देर के लिए वह कुंभक कहलाता है। तीसरा होता है रेचक, श्वास को बाहर छोड़ना, यानी पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक श्वास अंदर लेना, कुंभक श्वास रोकना, रेचक श्वास बाहर निकालना। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। इन्होंने अष्टांग योग में किसमें अष्टांग योग के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि, इन्होंने किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, तो योग सूत्र में। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक होता है, तो विच आसन इज नेसेसरी आफ्टर डूइंग एनी टाइप ऑफ आसना। तो कोई भी आसन करने के बाद उसको कूलिंग डाउन करने के लिए शवासन यानी कि जिसे मृत्यु आसन भी कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है। शवासन जो है व्यक्ति को पूर्ण आराम एवं शांति प्रदान करता है। यह आसनों के अंतराल एवं अंत में किया जाता है। इसे करने से मांसपेशियों का रक्त नलिकाओं में को आराम मिलता है और इस आसन का उद्देश्य मन को शरीर से पृथक करना, शांत अवस्था में करना, शिथिल अवस्था में करना, आरामदायक अवस्था में करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों इसमें कम से कम 71-72 क्वेश्चंस हैं। आप आराम से देखते रहिए, धीरे धीरे देखते रहिए, समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, है नहीं है में बहुत पढ़ने में मिस्टेक होता है, अवश्य इस पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू बी किप्ड इन माइंड इन द डिलीवरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैरिकुलम। तो शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, तो बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना आवश्यक है, वित्त एवं सुविधाओं का भी है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य का भी है, बट यहाँ पे धार्मिक सुधार पर ध्यान रखना उतना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राणायाम में रेचक का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिव इन प्राणायाम। दोस्तों जैसे कि अभी जस्ट बताई हूँ कि प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब सांस अंदर लेना, कुंभक का मतलब सांस रोकना, रेचक का मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे रेचक का अर्थ क्या हो जाएगा, श्वास छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर एक्शन। तो दोस्तों क्रिया यानी कि जो शुद्धि क्रिया है जिसे हम सटकर्म भी बोलते हैं, शरीर की आंतरिक सफाई के लिए 6 सटकर्म है। कितने सटकर्म है, शरीर की आंतरिक सफाई के लिए 6 सटकर्म है, नेति, दोति, नौली, बौस्ति, कपालभाति, त्राटक। ये शरीर की आंतरिक सफाई के लिए 6 क्या है, सटकर्म है, शुद्धि क्रियाएं हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे कपालभाति भी है, नेति भी है, त्राटक भी है, लेकिन नाड़ी शुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन प्राणायाम है, तो यहाँ पे आपको देखना है प्राणायाम कौन है। तो नौली आपका शुद्धि क्रिया सटकर्म है, बस्ती भी है सटकर्म, उड्यान आपका बंद है, जबकि यहाँ पे उज्जैनी क्या है, उज्जैनी क्या है, एक प्राणायाम है, उज्जैनी क्या है, ये प्राणायाम है।
एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार जो है व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है, यानी कि इसमें 12 प्रकार के होते हैं। सूर्य नमस्कार योगासन में सर्वश्रेष्ठ है, यह व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है, यह अकेला अभ्यास ऐसा है जो अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राणायाम, तो इसे प्राणायाम कौन नहीं है ये आपको देखना है। जैसे कि उज्जायी भी प्राणायाम है, सूर्य भेदन भी प्राणायाम है, शीतली भी प्राणायाम है, बट आपका नौली जो है सटकर्म है, यह प्राणायाम नहीं है। दोस्तों जैसा कि जो आपका प्राणायाम है यह 8 प्रकार का होता है, मोस्टली 8 प्रकार का होता है प्राणायाम आपका, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लाविनी, मूर्छा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस काल में प्राण और नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स प्राण एंड नाड़ी वेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसीजन एंड द वर्ल्ड योगा वाज यूज इन द टेक्निकल सेंस। तो प्राण और नाड़ी का महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा बना हुआ था किस काल में, तो ये आपका राइट आंसर होगा, किस काल में व्यवस्थित चर्चा बना हुआ था, तो यह आपका उपनिषद काल में, किस काल में, उपनिषद काल में, उपनिषद काल में प्राण एवं नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का वर्णन तकनीकी अर्थ में किया गया है। कठोपनिषद के अनुसार जब इंद्रियां शांत हो, शरीर आराम में हो, चित्त शांत हो, वृद्धि स्थिर हो, तो मन व इंद्रियों के सुरुचिपूर्ण नियंत्रण को योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाकनी को किस योगासन से ठीक किया जा सकता है, विच योगा आसना कैन क्योर नाकनी, नाकनी यानी जेनु वलगम, दो विकृति बार बार पूछा जा रहा है, नाकनी और बाउलेग। नाकनी जो होता है, नाकनी या बाउलेग दोनों घुटने से रिलेटेड हैं। जो नाकनी जिसे जेनु वलगम भी कहते हैं, इसमें घुटने टकराते हैं आपस में टच होकर के, और इसके कारण फ्लैट फुट भी हो जाता है। तो जब घुटने टकराते हैं, नाकनी होता है, तो उसको सुधारने के लिए कौन सा योगासन ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑप्शन में से, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गोमुखासन। क्या होगा? गोमुखासन। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या होता है नाकनी के लिए, तो घुड़सवारी सबसे बेस्ट होता है, एंड पद्मासन, गोमुखासन नियमित रूप से करना चाहिए, एंड घुटने टकराने की विकृति को नाकनी बोला जाता है और उसमें फ्लैट फुट की संभावना होती है, एंड जो बाउलेग होता है घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं, नाकनी में घुटने टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, योग के एक तत्व के रूप में आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है इंद्रियों की
संयम की बात आए, नियंत्रण की बात आए, तो वो होता है प्रत्याहार। क्या होता है? प्रत्याहार। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रत्याहार। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बात किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आता है। जिसमें से जो यम होता है पहला, उसमें सामाजिक अनुशासन की बात कहा गया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरा जो नियम है उसमें व्यक्तिगत अनुशासन की बात कहा गया है, यानी अपने प्रति किया गया शारीरिक व मानसिक नियम, जिसमें से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये पांच आते हैं यम के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत। तीसरा होता है आसन, जो शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। चौथा होता है प्राणायाम, जो श्वास पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। एंड पांचवा होता है प्रत्याहार, इंद्रियों को बस में करना, यानी दुनिया की वस्तुओं के पीछे भागने वाली इंद्रियों को बाधित कर उन्हें अंतर यात्रा की तरफ मोड़ना ही क्या है? प्रत्याहार है। छठा है धारणा, मतलब एकाग्रता, यानी अपने मन को निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना, ये दृढ़ निश्चय करना, या स्वयं पर या किसी इष्ट देव पर या पवित्र मन से ध्यान लगाना धारणा कहलाता है। उसके बाद सातवां आता है ध्यान, जिसे साधना भी कहते हैं। जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब वह ध्यान साधना कहलाता, ध्यान या साधना कहलाता है। आठवां स्थिति होता है समाधि, जिसे आत्म अनुभूति कहते हैं, यानी इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और बाह्य रूप से ध्यान में खो जाती है। सुख, दुख या दरिद्रता से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर डायबिटीज की बीमारी ठीक करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग योगा एक्सरसाइज स्पेसिफिकली क्योर्स डायबिटीज? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा वज्रासन। वज्रासन जैसा कि एक ध्यानात्मक आसन है, वज्रासन करने से अपच, अम्ल, पित्त, गैस, कब्ज, मधुमेह के रोग दूर होते हैं। और वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जाता है। दोस्तों मधुमेह के लिए वज्रासन, मोटापा के लिए मयूरासन, हृदय रोग के लिए शवासन, सिद्धासन, हार्निया के लिए मत्स्यासन, सर्वांगासन लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, योग की यह परिभाषा किसने दी है कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना योग है? तो दोस्तों मन को आवेगों को नियंत्रित करना योग है। जैसा कि आपने संस्कृत में ये परिभाषा आप सबको याद ही है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों यानी आवेगों को पूर्तिया रोक देना ही योग कहलाता है, यानी कि मन के आवेगों को नियंत्रण करना ही योग है। इस परिभाषा को दिए हैं महर्षि पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। और वेद व्यास ने क्या परिभाषा दिया है कि योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने परिभाषा दिया है कि योग आध्यात्मिक कामधेनु है। और भगवत गीता में कहा गया है श्री कृष्ण ने, योग कर्म सु कौशलम, यानी कर्म करने की निपुणता ही योग है। एक सभी परिभाषा ज्यादा पूछा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चक्रासन। क्या हो जाएगा? चक्रासन। ये सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है। जैसे कि आसनों को तीन वर्गों में बांटा गया है, ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन, संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसन। तो ध्यानात्मक आसन जिसमें बैठकर ध्यान किया जाता है, जैसे कि वीरासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, गोमुखासन, ये आपके ध्यानात्मक आसन है। जबकि विश्राम आसन जो है में शशांक आसन, मकरासन, शवासन, ये विश्राम करने वाला आसन है, रिलैक्स करने वाला।
एंड तीसरा सांस्कृतिक आसन में चक्रासन, सिंहासन, मयूरासन, गोरक्षासन, सलभासन, पश्चिमोत्तरासन, धनुरासन आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राणायाम का तात्पर्य है। तो प्राणायाम का क्या तात्पर्य है दोस्तों, प्राणायाम से क्या तात्पर्य है? तो प्राणायाम से मतलब होता है श्वसन पर नियंत्रण करना, ठीक है। प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आवश्यक शक्ति या जीवन या सांस। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राण प्लस आयाम। तो प्राण का मतलब हो गया आवश्यक शक्ति, जीवन या सांस, जो ऑक्सीजन है। और आयाम का अर्थ है प्राणों पर काबू पाना, अर्थात जीवन शक्ति पर ध्यान नियमित सांस द्वारा नियंत्रण करना ही प्राणायाम का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, योग का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा? कौन है दोस्तों? आप सबको पता है महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्वासन कौन से वर्ग में आता है? श्वासन कम्स इन विद कैटेगरी, तो किस वर्ग में आता है? तो ध्यान मुद्रा में तो आता नहीं है, तो यह आराम मुद्रा में, रिलैक्सिव आसना में आता है जो श्वासन है, आराम के लिए होता है। यह थकावट दूर करता है, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल या रिलैक्स करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, अष्टांग योग के प्रथम चार रूप का सही क्रम बताइए। इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर द फर्स्ट फोर फॉर्म ऑफ अष्टांग योगा? तो आठ लगातार गिनिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यहाँ पे आसन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चार क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले के पांच बहिरंग साधन है और अंतिम के तीन धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, योगः कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दी है? तो मैं बताई हूँ, कर्म का जहाँ बात आए वो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। तो योगः कर्मसु कौशलम ये परिभाषा दिया है भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कि कर्म करने की निपुणता ही योग है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योग करने वालों के लिए होता है? विच टाइप ऑफ फूड इज बेस्ट फॉर योगा प्रैक्टिशनर्स? तो दोस्तों सात्विक भोजन जो है बेस्ट होता है। कैसा भोजन होता है? सात्विक भोजन जो है योग करने वालों के लिए बेस्ट होता है। यानी सात्विक भोजन करने का मतलब कि ज्यादा तला भुना न हो, सात्विक आहार हो। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन शुद्धि क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस? तो दोस्तों जो सत्कर्म है उसी को शुद्धि क्रिया कहते हैं। तो छह शुद्धि क्रिया होती है, नेति, धोति, नौली, वस्ती, कपाल भाति, त्राटक। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेति भी है, कपाल भाति भी है, दोती भी है, कुंभक नहीं है। कुंभक पार्ट आपका है प्राणायाम का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि योगी का व्यायाम है क्या है? डायनेमिक व्यायाम, स्ट्रेच एंड स्टैटिक स्ट्रेच। तो दोस्तों डायनेमिक यानी गति के रूप में भी कर सकते हैं और स्टैटिक यानी स्थिर गति के रूप में भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये दोनों हैं, उपरोक्त दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुंभक का संबंध है। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये तीनों घटक किसके हैं? प्राणायाम का। तो प्राणायाम से संबंध है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थिरम सुखम आसनम परिभाषा है। तो यह परिभाषा है आसन की, किसकी है? आसन की। यानी कि शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखकर एकाग्रचित करना ही आसन कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यानात्मक आसन है, इज मेडिटेशनल आसना कौन है दोस्तों? तो पद्मासन में बैठकर आप ध्यान करते हैं, वज्रासन में करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मासन इन वज्रासन, और इसके अलावा सिद्धासन होता है आपका ध्यानात्मक आसन। क्वेश्चन नंबर 30 है, अहिंसा एक भाग है। तो दोस्तों जो अभी मैं जस्ट बताई हूँ, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, जिसमें से जो यम है दोस्तों वो सामाजिक अनुशासन की बात करता है, परहेज या बचाव की बात करता है, जिसके अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आता है। तो अहिंसा किसका भाग है? तो अहिंसा यम का भाग है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, सितकारी क्या है? तो दोस्तों मैं बताई हूँ कि सितकारी जो है एक क्या है, प्राणायाम है। क्या है? सितकारी जो है प्राणायाम है, याद रखिएगा। सूर्य भेदी कहे, उज्जाई कहे, सितकारी, सितली, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लावनी, मूर्छा, ये सब क्या है? अनुलोम विलोम, ये सब क्या है? प्राणायाम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑक्सीजन लेना है यानी श्वास लेना है, क्या है? तो पूरक कुंभक रेचक, पूरक मतलब श्वास अंदर लेना, कुंभक मतलब अंदर लेकर के रोके रखना या बाहर लेकर के रोके रखना, यानी अंतः कुंभक वाह कुंभक दो प्रकार का होता है, रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना। तो श्वास लेने की बात कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका पूरक, क्या हो जाएगा? पूरक, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि शुद्धिकरण क्रियाएं हैं, व्हाट आर द प्यूरिफिकेशन एक्शंस? तो इसको हम सत्कर्म भी कहते हैं, जो छह कर्म है, नेति, दूति, नौली, बस्ती, कपाल भाति, त्राटक, ये शुद्धिकरण यानी सत्कर्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, आ गया परिभाषा, किसकी परिभाषा है? योग चित्त वृत्ति निरोधः, ठीक है। तो यह परिभाषा है आपका महर्षि पतंजलि का, किसका है? महर्षि पतंजलि का। और योग समाधि है महर्षि वेदव्यास का, कर्म योग कर्म सुखासनम श्री कृष्ण का, मन शरीर मन इच्छा और विचार की सभी शक्तियों का सम्मिलन ही योग है, यह महात्मा गांधी का कहना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आरामदायक आसन है। तो दोस्तों कंफर्टेबल आसना कौन है इसमें? तो दो तीन बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, आरामदायक आसन है आपका शवासन, यानी कि आरामदायक आसन, इसको मृत्यु आसन भी कहते हैं। शवासन है जो हमारे मन को शांत करता है और हाई ब्लड प्रेशर को रोकने रोकता है। और आरामदायक आसन में और हैं शशांक आसन, मकर आसन, शवासन, इन आसनों के अभ्यास से थकावट दूर होता है और शारीरिक मानसिक रूप से शिथिल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राटक होता है, क्वेश्चन नंबर 36 है, त्राटक होता है। तो दोस्तों त्राटक जिसे कि जो हमारे सटकर्म होती हैं, जिसमें नेति, दोति, नौली, बस्ती, कपाल भाती, त्राटक, त्राटक क्या होता है? त्राटक एकाग्रता के लिए होता है, किसके लिए होता है? एकाग्रता के लिए होता है। तो त्राटक में किसी एक विशेष वस्तु पर एकटक ध्यान लगाए रखना है, क्या कहलाता है? एक बिंदु या वस्तु पर लगातार देखने का व्यायाम, जिससे केंद्रित करने की शक्ति यानी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। जैसे इसका आप दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, मोमबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, उसी को एक टक देखते रहना आंख का पलक झपकाए बिना, यही आपका त्राटक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बंध है। तो बंध यानी बंधन, तो बंध क्या है? बंध दो है, चार प्रकार का होता है, मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध। यानी मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध, तीनों को मिला करके चौथा हो जाता है जालंधर बंध, महाबंध।
तो यहाँ पे मूलबंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूलबंध, ये सभी के सभी क्या हैं, बंध हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, योगासनों द्वारा निम्न शारीरिक स्वास्थ्यता का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? तो दोस्तों योगासनों के द्वारा कौन सा, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ इज बेस्ट डेवलप्ड बाय योगासना। तो योगासन के द्वारा हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, लचीलापन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, लचीलापन, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाले जो भी क्रियाएं होंगी उससे लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां सुंदर व लचीली बनती हैं, इससे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और बीमारियां दूर होती हैं, थकावट को घटाता है और नाड़ियों को आराम पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शवासन के लाभ हैं, ये हमारा आरामदायक आसन है, इसको मृत्यु आसन भी कहते हैं, तो शवासन के क्या लाभ हैं? तो शवासन क्या है, ये हमारी बॉडी को शिथिल आरामदायक अवस्था में पहुंचाता है, तो यह शिथिलता प्रदान करता है, क्या करता है, यह शिथिलता प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक तनाव वालों को ये तुरंत आराम मिलता है, विवेक का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से प्राणायाम नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है, उज्जायी भी है, कुंजल यहाँ पे प्राणायाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है, विच आसना इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रेनिंग ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा आसन होता है शवासन, क्या होता है, शवासन, यहाँ श्वसन लिखा गया है, यहाँ श्वासन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ श्वसन नहीं रहेगा, शवासन रहेगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो शवासन होता है रक्तचाप उपचार के लिए, जो शवासन होता है उच्च एवं निम्न रक्तचाप व अपच जैसी बीमारियों को दूर करता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार नियमित करता है, और इस आसन में दक्ष व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता है, इसलिए इसको मृत्यु आसन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आसन किस प्रकार की योग के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आसन जो है वह हठ योग के अंतर्गत आते हैं, किस योग के अंतर्गत, हठ योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? भुजंगासन जो है वह दमा के लिए लाभदायक होता है, किसके लिए, दमा यानी अस्थमा, भुजंगासन दमा के लिए लाभदायक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुखी स्थिति यानी प्रोलाइन में किया जाता है, प्रोलाइन पोजीशन यानी कि पेट के बल लेटना, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी, सुपाइन पोजीशन मतलब पीठ के बल लेटना, आंखें और हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी, तो प्रोलाइन पोजीशन में किया जाता है कौन सा आसन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शलभासन, क्या हो जाएगा, शलभासन, इसको टिड्डी आसन या टिड्डी मुद्रा भी कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के तत्व के घटक हैं, तो दोस्तों सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के तत्व के घटक तीन हैं, सत्व, रजस और तमस, सत्व, रजस और तमस, यानी सांख्य शास्त्र के अनुसार सारा विश्व इस त्रिगुणात्मक प्रकृति का वास्तविक परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट
फ्लाइट रिस्पॉन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इन द बॉडी. तो दोस्तों, जिसे हम लड़ो उड़ो हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, वह होता है हमारा एड्रिनल हार्मोन. यह विपरीत परिस्थितियों में एक्टिव हो जाता है और यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है. क्वेश्चन नंबर 47 है, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद स्रोत में होती है? विच फर्टिलाइजर सोर्स कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन जो इसमें आसन दिया हुआ है, उस आसन में जो रागी है, इसमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है. यानी दूध में कैल्शियम की मात्रा 125 मिलीग्राम, पालक में 99 मिलीग्राम, केला में 5 मिलीग्राम, तो रागी में 350 मिलीग्राम होता है. रागी नहीं दिए रहेगा तो हमेशा आपका कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पूछेगा, तो दूध ही आपका राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 48 है, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं? तो ये सभी विशेषताएं हैं सत्व गुण की. किसकी विशेषताएं हैं? सत्व गुण की. सत्व गुण सद्गुण और भलाई की गुणवत्ता है और सद्भाव, संतुलन, स्थिरता पैदा करता है. सत्व गुण एक स्थायी प्रकृति की खुशी और संतोष प्रदान करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान का निम्न में से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है? तो ध्यान से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस यानी तनाव घटाता है, रिड्यूस स्ट्रेस, रक्तचाप को सामान्य करता है, नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर, रक्त शर्करा को सामान्य करता है, नॉर्मलाइज ब्लड शुगर, बट कॉर्टिसोल को नहीं बढ़ाता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता. ठीक है, तो आपका आंसर नंबर डी आपका राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 50 है, हट प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है? सूत्र नेति, जैसे नेति, दूती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक होता है, जैसे जो नेति होता है, सूत्र नेति, जल नेति, दो प्रकार का होता है. तो जो सूत्र नेति होता है किस रोग में लाभकारी नहीं है, आपको ये बताना है. तो किस रोग में लाभकारी नहीं है, तो नेत्र संबंधी विकार में है, कपाल अशुद्धि में है, शुद्ध गत रोग में है, बट अल्प अम्ल पित्त में यह लाभकारी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 51 है, हट प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं बताया गया है? पश्चिमोत्तानासन, आप सीधे लेट जाएंगे और सीधे ऊपर से हाथों को सांस अंदर खींचते हुए ले जाएंगे, अपने दोनों अंगूठे की तरफ हाथों को ले जाएंगे, अपने सिर को, माथे को और दोनों घुटने पर आप सटा देंगे, ये पश्चिमोत्तानासन होता है. और हट प्रदीपिका के अनुसार कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं बताया गया है, इसमें आपको यह बताना है. तो दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन से हमारा उदर की वसा को साफ करता है एंड सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है. सुषुम्ना यहाँ नहीं है, सुषुम्ना जो हमारी रीढ़ की हड्डी होता है, वो उसी में सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित करती है. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं एंड जठराग्नि को भी बढ़ाता है, बट अम्लता कम करता है, ये नहीं होता है. यहाँ अमृता हो गया है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, अमृता को कम नहीं करता है. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, यहाँ अमृता मत पढ़िएगा, अमृता पढ़िएगा, याद रखिएगा अम्लता है. ठीक है, अम्लता है, ठीक है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षक को प्रभावित करने में निम्न में से कौन सा कारक नहीं होता है? Which of the following factors does not influence teaching? तो कौन नहीं होता है इसमें? शिक्षक होता है, छात्र होता है, वातावरण होता है, लेकिन शिक्षक का सामाजिक स्तर क्या है, इसे कोई माने नहीं रखता. क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रभाव उत्पन्न
उत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? तो प्रभाव उत्पादक शिक्षण के प्रभावशाली शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? When should a yoga lessons plan be prepared for effective teaching के लिए, for effective teaching, प्रभावशाली टीचिंग के लिए हम पाठ योजना लेसन प्लान को तैयार कब करेंगे? तो कक्षा से ठीक पहले, ठीक है, कक्षा से ठीक पहले हम इसका प्लान बनाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था क्या है? छोटे समूह, कुछ कम ही बच्चे हैं, उन लोगों को योग आप करा रहे हैं, तो कौन सा जो मतलब विधि से आप बैठाएंगे उन लोगों को? तो छोटे समूह के लिए अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कल में आप बैठाएंगे, अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कल में, ये सेमी सर्कल हो गया, ये पूर्ण सर्कल हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 55 है, कुंठा के प्रमुख स्रोत हैं, कुंठा के प्रमुख स्रोत हैं। तो दोस्तों कुंठा के क्या स्रोत हैं प्रमुख? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी तनाव यानी कुंठा, फ्रस्ट्रेशन के प्रमुख स्रोत क्या है? तो विवाद हो गया किसी से, या व्यक्तिगत कारक होता है, वातावरण संबंधी कारक, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है तो भी होता है। तो वातावरण संबंधी कारक यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड कंट्रोवर्सी एंड पर्सनल फैक्टर्स, ये दोनों आपकी कुंठा के कारण हैं। उपरोक्त सभी राइट होगा, जबकि जो सकारात्मक सोच है, लक्ष्य है, ये कभी कुंठा का कारण नहीं होता, ठीक है, उत्साह का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुसंधान साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता यानी एंजाइटी के प्रबंधन के लिए किन योग अभ्यासों की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों जब आपके पास दुश्चिंता है, एंजाइटी है, चिंता है, तनाव है, उस कंडीशन में आपको अनुसंधान हुआ है, अनुसंधान के अनुसार किन योगासन को करने की सलाह दी गई है, तो यहाँ पे आपको छाटना है। तो दोस्तों यहाँ पे भ्रामरी प्राणायाम, भुजंगासन, शवासन, ये तीनों के तीनों आपके एंजाइटी यानी चिंता के प्रबंधन के लिए लाभकारी होंगे। तो उपरोक्त सभी आपके राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि विश्व निकाय में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में उत्कीर्ण किया है, तो किसने किया है दोस्त? यूनेस्को ने। कौन? यूनेस्को। यानी कि किस विश्व निकाय में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में उत्कीर्ण किया गया है, शामिल किया गया है, तो वो है यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसने प्राचीन भारत में विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य एवं औषधि या शिक्षा और कला को प्रभावित किया है? तो वो है योग दर्शन। कौन किया है? योग दर्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, यूएन निकाय की प्रशस्ति पत्र के अनुसार योग विधियां व्यक्तियों की किस रूप में सहायता करने के लिए अभिकल्पित की गई हैं? अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ द यूएन बॉडी, हाउ आर योगा मेथड्स डिजाइंड टू हेल्प पीपल? तो यह डिजाइन किया गया है आत्म अनुभूति लाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति अवस्था के लिए, किसी भी प्रकार के दुखों को पर विजय पाने के लिए, यह यूएन निकाय के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुआ है? तो दोस्तों योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुआ है? तो आप सबको पता ही है किस धातु से हुआ है। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या मिलन या संयोग, यानी आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन ही योग है।
यानी जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण ही योग है। तो युज का मतलब होता है जुड़ना या मिलाना। क्वेश्चन नंबर 61 है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? विच आर द डिफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद? तो कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है। इस परिभाषा को कहे हैं कठोपनिषद उपनिषद के अनुसार कि इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है या इंद्रियों का स्थिर हो जाना ही योग है, इस बात को कठोपनिषद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है? कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है? तो दोस्तों कपालभाति, श्वास को जल्दी जल्दी छोड़ा जाता है, तो उसमें आपका मुख्य चिकित्सकीय लाभ है यह कफ संबंधी विकारों को दूर करना, इसका मुख्य चिकित्सकीय लाभ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? तो इसके लक्षण हैं नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना। उपरोक्त सभी ये लक्षण हठ प्रदीपिका के अनुसार लक्षण होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ हैं, तो इसका लाभ क्या है? कपाल शुद्ध करता है सूर्य भेदन प्राणायाम, उदर कृमि को नष्ट करता है, पेट की कीड़ाओं को मारता है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर होता है? द स्पाइन टिल्ट्स बैकवर्ड्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ विच आसना? तो ये आपका जैसे कि आप करते हैं तो खुद ही देखते हैं, जो भुजंगासन है और धनुरासन है, इन दोनों में जो हमारा मेरुदंड यानी स्पाइन है वो पीछे की तरफ झुकती है, तो क्या हो जाएगा आपका भुजंगासन और धनुरासन। ए एंड बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है, सत्कर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है। विच इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑफ सत्कर्मा? तो सत्कर्मों की अभ्यास की सलाह दी जाती है, तो यह आसन नंबर बी राइट होगा, आसन और प्राणायाम से पहले। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो प्राणायाम किया जाता है हमेशा आसन के बाद किया जाता है, यहाँ पे सटकर्म कब किया जाता है, कब सलाह दिया जाता है करने को, ये कहा गया है जो सटकर्म जो होता है आसन और प्राणायाम से पहले किया जाता है, यानी कि पहले आप सटकर्म करेंगे फिर आसन करेंगे तब प्राणायाम करेंगे, यानी आसन प्राणायाम से पहले आपको जब भी करना है सटकर्म तो आसन प्राणायाम के पहले। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक सटकर्म है? तो जैसे कि सटकर्म 6 होते हैं, नेति, दूति, नौली, बस्ती, कपाल भाती, त्राटक, जिसमें से जो कब्ज है बीमारी डिजीज है उसके लिए कौन सा सटकर्म आपका राइट होगा, लाभदायक होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बस्ती और नौली। बस्ती जो बड़ी आंत को साफ करती है, नौली जिसमें सूत्र नेति जल नेति होता है, ये आपके कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक है। एंड क्वेश्चन नंबर 68 है, नेति क्रिया के दो प्रमुख प्रकार हैं, व्हाट आर द टू मेजर टाइप ऑफ पॉलिसी
एक्शन, यहाँ पे पॉलिसी नहीं होगा, तो दूसरे मैनर में ले लिया है, नेति होगा, नेति, ठीक है। तो नेति क्रिया जो है नाक की सफाई होता है, जिसमें आपके जल नेति और सूत्र नेति दो प्रकार का होता है। आंसर नंबर सी आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 69 है, आंखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु को एक टक देखने को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है त्राटक। क्या कहा जाता है? त्राटक, जो सत्कर्म के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे आसन क्या है, ये हमारी बॉडी पोस्चर को ठीक करती है। तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड प्राणायाम क्या है, श्वासों पर नियंत्रण है, तो बी का 3 हो जाएगा। धारणा क्या है, धारणा क्या है, यानी कि ध्यान लगाना, एकाग्रता, तो सी का 2 हो जाएगा। एंड समाधि क्या है, आत्मनिरीक्षण, एकदम खो जाना, ये होता है समाधि, तो डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1, एक अच्छी खड़ी मुद्रा में शरीर का भार निर्भर होता है। ए गुड स्टैंडिंग पोस्चर डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट। तो एक अच्छी तरह आप खड़े हैं मुद्रा में, उस समय आपका बॉडी भार किस पर निर्भर करता है? तो हमारे दोनों पैरों पर होता है। किस पे होता है? हमारे दोनों पैरों पर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि 71 क्वेश्चंस आप आज के योगा सेशन में थे, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जैसा कि सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और सारे वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन है, MCQ प्रैक्टिस है, करते रहिए। एंड अगले सेशन में आपको प्रैक्टिस सेट आएगा 125-125 क्वेश्चंस का, जो आपके लिए हर एक टॉपिक से मिक्स क्वेश्चंस होगा। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए इसी तरह मन लगा करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।